गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानलोक आर्ट एंड क्राफ्ट। आज मैं एक रुमाल पे पेंटिंग करने वाली हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे ग्रीन कलर से फिल कर देंगे, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ। इसके लिए आप पेन ब्रश ही लीजिएगा। पेन ब्रश अगर दो नंबर है तो और अच्छा होगा। मैंने यहाँ फ्लैट ब्रश ले लिया है। फिल करने के बाद थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। ऐसे इसी प्रकार आप पत्ते को भी बनाएंगे। पहले फिल कर लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा वाइट कलर ऊपर वाले पार्ट में मिक्स करेंगे ताकि पत्ते के कलर नेचुरल लगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आगे बनाते रहें। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान पेंटिंग का तरीका आप लोग के साथ शेयर करूं। मुझे लगा कि ये तरीका भी बहुत आसान है, सो मैंने इसे भी शेयर किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। इसे पूरी तरह से फिल करने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था कि वाइट कलर का यूज करेंगे, जिससे लीफ का कलर और भी अच्छा लगता है। देखिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे वाइट कलर। इसके डंठल में भी ऐसे थोड़ा सा ऐड कर देंगे। यदि आपको इसमें परेशानी हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे और लीफ में ऐसे लाइनिंग कर देंगे। इस प्रकार से हल्के हाथों से करेंगे ताकि ये पतला पतला लाइनिंग हो। इस प्रकार से पतला सा लाइनिंग कर देंगे उसमें। चलिए अब दिल को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए रेड कलर का यूज किया है मैंने। सबसे पहले तो लाइनिंग कर लेंगे ताकि हमारा कलर बाहर ना निकले। अच्छे से लाइनिंग करके और उसके बाद उसे फिल करेंगे। देखिए इस प्रकार से सबसे पहले लाइनिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। लाइनिंग करने के बाद उसे फिल कर देंगे। इस प्रकार से फिल करेंगे इसे। और जैसे इसे बनाया है मैंने, बस जो दूसरे वाला ये शेप है इसे भी इसी प्रकार से लाइनिंग करके और फिल कर देंगे। चलिए अब कली बनाते हैं। इसमें भी रेड कलर का ही यूज करेंगे। रेड कलर से पहले
फिल कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सावधानी बरतेंगे वरना ये मेरा रेड कलर अगर ये ग्रीन पे आ जाएगा तो डिजाइन थोड़ा ख़राब दिखेगा। फिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर बिल्कुल नीचे वाला भाग पे ऐड करेंगे, देखिए ऐसे, और फिर उसे थोड़ा मिक्स कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो दिल शेप है इसके दोनों किनारे पे यानी कि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हल्का ब्लैक कलर लेकर और लाइनिंग बना देंगे, आउटलाइन करेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आगे किस तरह का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट के अनुसार ही आगे वीडियो लाऊं। सो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए। तो ये रहा मेरा डिज़ाइन, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, और बिल्कुल आसान है बनाना, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप चाहें तो अंदर कुछ लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, देखिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।